नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नेशनल विंटर बैथलॉन गेम गुलमर्ग 2022 में ब्रॉन्ज जीतने वाली जींद के गांव सुदकेन खुर्द की बेटी विकास राणा को इस मुकाम तक पहुंचने में सरकार से एक फूटी कौड़ी की भी आर्थिक सहायता नहीं मिली। खुद जमीन तक गिरवी रखनी पड़ी और घर का सोना तक भी गिरवी चला गया, तब जाकर ये मुकाम हासिल किया। एक तो आर्थिक हालत आड़े आए और दूसरा लड़की को बाहर भेजने के नाम पर खूब ताने मिले, लेकिन विकास राणा ने हौसला नहीं छोड़ा और आज आखिरकार हौसलों की जीत हुई। आपको बता दें कि इस खेल में हरियाणा को पहली बार मेडल मिला है। जींद के गांव सुदकेन खुर्द की बेटी विकास राणा की ओर से नेशनल विंटर बैथलॉन गेम गुलमर्ग 2022 में ब्रॉन्ज जीतने पर गांव और परिवार में खुशी की लहर है। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। विकास राणा गरीब परिवार से संबंध रखती हैं। परिवार का कहना है कि इस मुकाम तक पहुंचने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक तो लड़की को बाहर भेजने के नाम पर ताने मिलते थे और दूसरा इस गेम की तैयारियों में हर साल खूब खर्च होता था। पहले जमीन तक गिरवी रखनी पड़ी थी और बाद में घर का सोना तक गिरवी चला गया, तब जाकर बेटी की तैयारी पूरी हुई है। आपको बता दें कि विकास राणा दक्षिण अफ्रीका के किलिमंजारो और रूस के माउंट एल्ब्रुस के बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी फतह कर तिरंगा लहरा चुकी हैं। लोग उन्हें हरियाणा की बेटी कहकर पुकारते हैं। जींद से हमारे संवाददाता प्रवीण वर्मा की रिपोर्ट। ये स्कीइंग और बैथलॉन है, ये खेल जीत आई नेशनल है, तो इसमें नहीं है मेडल जीत के अपने नहीं है। हरियाणा पंजाब में कोई भी लड़की नहीं है, लड़का भी नहीं है, लड़की भी नहीं। जीतने वाला यही है जी। क्या मैं जीतने वाली है? एक ही लड़की है। हाँ, एक ही है जी इस खेल में, अपने इसमें हरियाणा पंजाब में जो जीत कर आई है। हाँ, जीत कर आई जी, सिर्फ एक ही लड़की है इस गेम में, और है ही नहीं, लड़का भी नहीं है जी, लड़की छोड़। ठीक है जी। तो इस करके इसका शुरू था सपना, गेम में जीत के आई है और दीदी से का घर का काम करने के लिए कहती है, लेकिन मैं उसे मना कर देती हूँ, दीदी आप अपने गेम की ओर ध्यान दो, मेरी हमारे घर की तरफ मत देखो। और घर वालों ने भी उसके ऊपर बहुत खर्चा उठा रखा है, लेकिन बाहर वाले उनके ऊपर बहुत बुरे बुरे विचार बोलते हैं, कहते हैं कि लड़की को बाहर मत भेजो, ये मत करो, वे मत करो, लेकिन हमारे घर वाले तो उनकी ओर ही ध्यान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अब बेटा तुम अपने का सुपना दबा यो खेलन का, हम दबा जमींदार आदमी हाँ, ये भी हवा मेडल ली आई जीते आई, हमने खुशी है। तो कैसा महसूस हो रहा है खुशी का? जमा खुशी हो रही, नौकरी दे दे जिन्हें बैठी गवर्नमेंट। तो किस तरह आपने इनको पढ़ाया? बड़ी मजबूरी हुई है पढ़ाने वाली भी। क्या क्या समस्या होंगी? समस्या सारी जो समस्या थी भाई। तो किस तरह है? हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।